साथ ही बताऊँ, पहली मैंने बताई आपको यहाँ की कौन, दूसरी बताई यहाँ के बनामा दाना जनाना बचकाना कपड़े, तीसरा मैंने आपको बताया यहाँ के स्पोर्ट्स का सामान, चौथा मैंने बताया आपको पैनाफ्लेक्स प्रिंटिंग और प्रिंट आउट के मामला, पाँचवा मैंने बताया स्टेशनरी, छठा मैंने बताया आपको दुपट्टा और पीको अवर लाग, सातवा जो बड़ा मशहूर है वो यहाँ का सराफा है। मीना बाजार के नीचे गोल्ड के दुकान वाले बैठे हुए हैं, गोल्ड और चांदी के, यहाँ आपको पूरा सराफा मिलेगा। इतना बड़ा सराफा नहीं है जितना सदर का या हैदरी का या पापुस का है, मगर फिर भी यहाँ आपको सराफा मिलेगा। अगर आपको कोई गोल्ड का सामान लेना है तो इजली सस्ते दामों में, अच्छे दामों में यहाँ मिल जाता है। तो जो साथ ही बड़ी वजह जो है वो यहाँ का सराफा है। जो कराची करीमाबाद की वजह है मशहूर की, वो एक और वजह जो है यहाँ यूनाइटेड किंग बहुत मशहूर बेकरी है, उसकी पहली ब्रांच है। आप देख रहे हैं सामने सर्विस और बाटा की जो गली है, यहाँ जो है यूनाइटेड किंग की पहली ब्रांच है और लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं यहाँ की हलवा पूरी खाने, यहाँ का केक लेने और यहाँ की समोसे और बाकी चीज़ें लेने के। यहाँ की ये पहली ब्रांच है यूनाइटेड किंग की, तो इसकी वजह एक ये भी है। दूसरी बड़ी वजह जो है, दूसरी से बातें नवी जो वजह है वो इसकी यहाँ की काका भवानी इंस्टीट्यूट और मेमन फाउंडेशन है, जहाँ से हमारी बच्चियाँ जो स्किल्स सीखती हैं, जिसमें सिलाई कढ़ाई मेहंदी और खाना पकाना और दूसरे हैंडीक्राफ्ट वाले मामला हैं। तो वजह जो शोहरत है करीमाबाद की नवी, वो है काका भवानी इंस्टीट्यूट और मेमन फाउंडेशन। दसवीं जो वजह है कराची करीमाबाद की, वो यहाँ का महल वकू है, जो कि जियोग्राफिकल लोकेशन है, जो कि सेंटर ऑफ दी सिटी है, और सामने जो ब्रिज है, जो सामने एरिया है शाहरा पाकिस्तान, जो कि मिलाते पूरे पाकिस्तान को करीमाबाद से। कराची की करीमाबाद की जो वजह शोहरत है वो एक ये भी है कि मीना बाजार के पीछे एक जो मार्केट है, जो कि हम कहते हैं मिक्सर है सदर का, ली मार्केट का, खजूर मार्केट का, खड्डा मार्केट का, कोरंगी का, औरंगी का, हर मार्केट का मिक्सर आपको मिलेगा करीमाबाद पे, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं कम दामों में और बार्गेनिंग वाले दामों में फ्रूट, यहाँ मिलते हैं वेजिटेबल्स, यहाँ मिलते हैं मीट, मटन, बीफ, व्हील, चिकन, सी फूड आपको बड़े ही अच्छे और सस्ते दामों में मिलते हैं। साथ साथ यहाँ आपको मिलती है कन्फेक्शनरी, होलसेल रेट पे आपको मिलेंगे जूसेस, होलसेल रेट पे आपको मिलेंगे कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक होलसेल रेट पे। साथ साथ आपको मिलेगा यहाँ केमिकल्स, साबुन, सर्फ होलसेल रेट पे, और साथ साथ आपको यहाँ जो मिलेगा वो मिलेगा आपको बड़ा अच्छा ग्रॉसरी, काफ़ी अच्छी क्रॉकरी और केमिकल्स और सब्जियां वगैरह आपको काफ़ी अच्छे दामों में मिल जाएगी। झाड़ू हो गई और इसके अलावा जो फ्रूट्स हैं वो काफ़ी आपको अच्छे दामों में मिलते हैं, और हम यहाँ बार्गेनिंग इजली कर सकते हैं कराची के करीमाबाद पे और ख़ासतौर पर मीना बाजार की पीछे वाली पूरी मार्केट पे। तो ये इसकी वजह शोहरत है 11वीं या 12वीं जो मैं आपको बता रहा हूँ। करीमाबाद की एक और वजह शोहरत है वो ये है कि यहाँ जो है एक बहुत ही मशहूर कॉलेज है, इसका नाम है दिल्ली कॉलेज। जी जनाब, दिल्ली कॉलेज की वजह जो है करीमाबाद की बड़ी वजह शोहरत है, जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ आपको लाइब्रेरी मिलेगी आगे करीमाबाद पे, यहाँ आपको कॉलेज मिलेंगे, यहाँ आपको स्कूल्स मिलेंगे और काफ़ी पुराने स्कूल्स मिलेंगे, जिसमें ढाका है, जिसमें दिल्ली कॉलेज है, दिल्ली स्कूल है। तो ये किसकी वजह शोहरत 13वीं या 12वीं ये भी है। एक और वजह शोहरत जो है कराची करीमाबाद की, कराची की करीमाबाद की एक और वजह शोहरत जो है वो यहाँ की फूड स्ट्रीट है। जी जनाब, कराची की दूसरी बड़ी फूड स्ट्रीट आपको करीमाबाद में मिलेगी और उसका नाम है हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट। हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट में आपको इंटरनेशनल, लोकल हर किस्म के खाने मिलेंगे, चाहे ठेले पे हो, चाहे दुकान पे हो, चाहे वो एसी में हो, चाहे वो गर्मी में हो, आपको यहाँ खाने मिलेंगे बहुत ही आउटस्टैंडिंग। और 24/7 यहाँ की फूड स्ट्रीट खुली ही होती हुई है, और हम आपको अहली रिकमेंड करेंगे आप आएँ, मगर आने से पहले कुछ चीज़ें अपने जहन नशीन कर लें। अगर आप यहाँ आते हैं फूड स्ट्रीट पर हुसैनाबाद की, तो आपको गाड़ी पार्क करनी है कहाँ वो आपको बताता हूँ। अगर आप गुलशन से आ रहे हैं तो उस्मान मेमोरियल के पास अच्छी खासी जगह है पार्किंग की, आप गाड़ी वहाँ पार्क करें और वॉक करते हुए मेमन मस्जिद की तरफ आएँ, और वहाँ से आप एक्सप्लोर करें खानों को, एक्सप्लोर करें रेस्टोरेंट को, जो कि तबा हद तक पूरा मामला जाता है, और गाड़ी आप पार्क करके इसलिए आप घूमें और खाएं पिए और मौज मस्ती करें। मैं गाड़ी भूले से भी रात के टाइम पे आप हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट पर लेके मत जाइएगा, वरना आप फंस जाएंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि उस्मान मेमोरियल के पास आसपास आप गाड़ी के पार्क करें, वहाँ किसी चौकीदार को 50-60 रुपये दें और इजली जाके आप इंजॉय करके आएँ। अगर आप आ रहे हैं गुलशन से, तो आप तबा हट की तरफ गाड़ी खड़ी करें, वहाँ पार्किंग लेता है बंदा 50-60 रुपये, उसको गाड़ी के पैसे दें, आराम से आप वहाँ तबा हट से लेकर मेमन मस्जिद तक आप एक्सप्लोर करें और आराम से घूमें फिरें, और घूमने फिरने के बाद जो है ईजिली आप जो है वो एक्सप्लोर करें खाने को। तो हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट जो है इसकी मेन जान है करीमाबाद की, और ये
14वीं 15वीं जो है बड़ी मशहूर बात।